नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर और मैं हूं आपके साथ सोनू पांडे। खबरों में आज सीधे ले चलते हैं हम आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़, जहां इलाके के बामड़िया पंचायत पहुंचकर राष्ट्र खबर की टीम ने सरपंच मंजू वैष्णव से बातचीत की और उनके कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान सरपंच से सीधी बात की राजस्थान ब्यूरो चीफ शंकर बंसारी ने। नमस्कार, राष्ट्र खबरों में आप सबका स्वागत है। आज हमारी टीम ग्राम पंचायत भट्टों का बामड़िया पहुंची है। आज हमारे साथ महिला सरपंच मंजू वैष्णव आई हुई हैं। इनसे भी जानना चाहते हैं इनका कार्यकाल कैसे गुजरा, जब चुनाव मैदान में उतरी थी, जो जनता से वादे किए वो पूर्ण किए या नहीं किए, जानते हैं इनकी जुबानी। सबसे पहले मैडम, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सर, मैं मंजू वैष्णव फ्रॉम भट्टों का बामड़िया ग्राम पंचायत। सर, जब मैं सरपंच बनी तो मतलब माहौल इतना अच्छा था कि 15 दिन पहले ही लोगों ने घोषणा कर दी कि हमारा सरपंच यही रहेगा। मैडम, कार्यकाल की बात करें, करीबन पूरा हो चुका है। जी सर, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? सर, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि हमारी जो टावर टंकी थी, 20 साल में जो काम नहीं हो सका वो हमने किया। और दूसरी बात, हमारे यहाँ हॉस्पिटल भी बना हुआ था लेकिन उसकी कंडीशन बहुत खराब, जर्जर अवस्था में था, तो हमने उसके लिए भी यूँ देख लो एक जंग लड़ी। और टंकी के लिए तो इतनी समस्या आई कि हमें जयपुर तक जाना पड़ा। कितनी बार मुख्यमंत्री जी से मिले, प्रस्ताव बना के भेजा, फिर रिजेक्ट हो गया, फिर वापस दिया, और 5-6 बार ऐसे गए, तब जाके हमारी टावर टंकी पास होके आई और आज की स्थिति में कम्प्लीट, और पाइपलाइन बाकी है जो बहुत जल्द लग जाएगी। पेयजल की अभी भी कोई समस्या आ रही है मैडम ग्राम पंचायत में? हाँ सर, पेयजल की समस्या तो है हमारे, वो घर घर में नल नहीं है, अभी चालू नहीं हुई, तो कोशिश हमारी ये थी पर अब समय हमारे पास है नहीं तो हम लगा नहीं पाएंगे। बाकी मेरी कोशिश थी मेरे ही हाथों से वो घर घर के अंदर नल लगे। मैडम, भारत स्वच्छ मिशन की बात, पूरा राजस्थान ओडीएफ है, धरातल की बात करें, आपकी ग्राम पंचायत कहां तक कारगर साबित हुई? सर, 100% कारगर साबित हुई, क्योंकि मैंने जो वादे किए थे कलेक्टर साहब से, इंद्रजीत सिंह जी से, कि मैं अपनी पंचायत को ओडीएफ करवाऊंगी 1 महीने के अंदर, तो मैंने वो वादा 1 महीने से 2 दिन पहले ही उसको पूरा किया और इतने अच्छे से ODF करवाई ग्राम पंचायत को कि वो मतलब मैं क्या खुद से क्या बोलूं सर। सम्मानित भी किया गया? सम्मानित किया गया मेरे को, कलेक्टर साहब द्वारा सम्मानित होना था लेकिन वो किसी कारणवश कहीं चले गए, तो फिर मुझे SDM साहब ने सम्मानित किया 2016 में, मोदी जी के वहाँ गई मैं, तो उत्कृष्ट कार्यों के लिए भी मुझे सम्मानित किया गया। फिर 2018 में SDM साहब ने करा, 2019 में मुझे गाँव वालों ने सम्मानित किया। मैडम, अब कौन सी समस्या आ रही है ग्राम पंचायत में जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ, कौन कौन से कार्य अभी अधूरे हैं? सर, अभी तो मेरे जैसे कुछ भी कार्य अधूरे नहीं है मेरे हिसाब से, कोई भी, क्योंकि नहीं सर, मेरे सारे काम पूर्ण हो, मतलब काम कभी खत्म नहीं होते। बिल्कुल, काम खत्म नहीं होते। जैसे सरपंच गए, ऐसा नहीं कि सरपंच के साथ सारे काम चले गए, आएगा सरपंच वापिस, वो काम उसके इसी दिन से चलते रहेंगे, लेकिन हमने जो काम वादे किए थे मेरे हिसाब से पूरे हो चुके। और एक जो था मेरे मन में रह गया, पशु चिकित्सालय, वो आया भी नहीं पास होके। और सबसे अच्छी मतलब अचीवमेंट हुआ हमारे ग्राम पंचायत के अंदर कि हमारे आदर्श ग्राम पंचायत घोषित हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, यहाँ गरीब परिवारों को लाभ दिया गया? सर, बिल्कुल 100% दिया गया, और हमारे कार्यकाल के अंदर 440 फार्म भरे गए थे लेकिन उसमें से कुछ रिजेक्ट भी हो गए थे, तो आज शायद मेरे हिसाब से 250 फार्म ऑनलाइन हो चुके हैं। और मैंने बहुत से लोगों को कितने 100 तो दिए होंगे आवास। हाँ सर, बिल्कुल 100 आवास दिए और उनके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी। मैडम, शिक्षा पे बात करना चाहूंगा, कहते हैं शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान माना गया, ग्रंथों में भी लिखा है। शिक्षा के प्रति ग्राम पंचायत का स्तर कैसा है और शिक्षा के प्रति आपने क्या करवाया, महिला सरपंच होने के नाते महिलाओं को कैसे प्रोत्साहन? सर, मैंने महिलाओं के जैसे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उनको एडमिशन करवाया। वैसे तो हमारा गाँव कहूँ या नहीं कहूँ तो भी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ अधिकतर लोग गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, सब शिक्षित हैं,
शिक्षा से ज्यादा जुड़ाव है उनका, BLO, BO, यहाँ मतलब हर व्यक्ति आपको मिल जाएगा गांव के अंदर, सर्विस में मिल जाएगा। और बाकी रही तसवारिया की बात, तो मैं लोगों से जब भी मौका मिला, जैसे कोई कार्यक्रम है या फिर नाडी निर्माण का कार्य है, तो हम ऐसे ही जाते रहते हैं, कुछ भी उनके प्रोग्राम और फंक्शन, तो उसमें लोगों से बात करती हूँ। और आंगनवाड़ियों के आरक्षण पे भी पहुंची मैं 2-3 बार, तो वहाँ भी लोग, जो औरतें मिली उनको समझाया कि ऐसे जो लड़कियाँ हैं पढ़ाई छोड़ दी है, बहुत सबको एडमिशन ओपन में करवाया मैंने, जो लड़कियाँ थी और पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं थी, तो मैंने ऐसे भी करके उनको ओपन के अंदर भी उनका एडमिशन करवाया। और बाकी स्कूलों के अंदर तो बहुत सारे जुड़ाव करवाए और जोड़े बच्चों को काफ़ी, मतलब। मैडम बात करें जैसे कि महिलाओं के लिए रोजगार, यहाँ कोई संसाधन है महिलाओं के लिए रोजगार, महिलाएं जाती है रोजगार के लिए नहीं जाती, इसके बारे में बताएं। हाँ सर, यहाँ रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, और मैं चाहती थी कि यहाँ कोई अच्छा सा सेंटर बने, जैसे सिलाई सेंटर। मैंने एक बार कलेक्टर साहब से भी इसकी अपील की कि सर हमारे यहाँ सिलाई सेंटर खोला जाए, ताकि उसमें मेरी रुचि है कि अब मैं नौकरी छोड़ चुकी हूँ, तो मैं ऐसा कुछ करूँ ताकि उससे कुछ महिलाओं को रोजगार मिले, सेल्फ बने वो, और आगे भी उनको कोई छोटा मोटा उद्योग हो। ये एक सपना रह गया, ये मेरा सपना था, वो सपना ही बन के रह गया, कि जैसे पार्लर का कोर्स है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं अपने माध्यम से उनको करवाना चाहती थी। बिल्कुल मैडम, ये मेरा व्यक्तिगत ही प्रश्न है आपसे, सरकार एक सरपंच को मानदेय 3500 से 4000 रुपए देगी, क्या इससे सरपंच संतुष्ट है? सर नहीं, मेरा मानना है संतुष्ट नहीं, कम से कम 10000 सैलरी होनी चाहिए। लोग ऐसा सोचते हैं कि सरपंच की कमाई बहुत सी होती है, लेकिन सर हमारे अंदर इसका कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर मतलब लोगों के, जो लोगों ने हमसे जुड़ के जो सपने देखे, मैं उनके सपनों पे खड़ा उतरी, कभी उनको हताश नहीं किया, उनके हर समस्या में उनके सारथी बन के खड़ी रही, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कभी किसने कह दिया हमारी अड़चन आ रही है, तो कभी ये सोचा नहीं कि इसका काम नहीं करेंगे, इसका ये एंटी है, ऐसा नहीं, सबको साथ लेके चले। मैडम हम तो आपकी आवाज उठा सकते हैं कि एक सरपंच का मानदेय कम से कम 10000 होना चाहिए। मैडम आगामी चुनाव आ रहे हैं पंचायती राज के, ग्राम पंचायत की जनता भी जानना चाहती है आपकी क्या भूमिका रहेगी, चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, जो अधूरे सपने वो अगले चुनाव में पूरे हो या ना हो, आप बताएंगे? हाँ सर, मेरा जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं अब मतलब इस चुनाव मैदान में नहीं उतरूंगा,